ना हो रहा हो, लेकिन देश के भले के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करना, सर्वस्व अर्पित कर देना, ये सबसे बड़ी अपनी कीर्ति होगी। उसी कार्य को करने के लिए हम समाज के लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। अपनी संख्या शायद कुछ देर से पहुंचे या कम आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जितने हैं गुरु गोविंद सिंह जी की संतानें हैं। 1,25,000 से एक लड़ाऊं, अपना एक एक कार्यकर्ता 1,25,000 के बराबर है। तो हम समाज के नेतृत्वकर्ता लोग, समाज को आगे बढ़ते हुए, देश को आगे बढ़ते हुए देखने वाले लोग हैं और पूरा देश इसी कार्य में लगा हुआ है। तो घर घर तिरंगा, घर घर झंडा, इस तरह से आप देख रहे हैं कि गली गली में और घर घर में तिरंगा झंडा, जो भारत का स्वाभिमान है, भारत की आन बान और शान है, उसको लहराया जा रहा है, फहराया जा रहा है और उसके साथ में उत्सव मनाया जा रहा है। अब उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? हम प्रत्येक अपनी खुशी को उत्सव के रूप में मनाते ही हैं, उसको याद करने के लिए, उन स्मृतियों को याद करने के लिए, उनके पीछे जो इतिहास है, भूगोल है, उसको याद करते हुए उसको मनाने का यह हेतु है कि हम अपने बलिदानियों को, जिनके दम पर, जिनके बल पर हमने आज़ादी प्राप्त की है, उनको हमेशा स्मरण रखें, अपने इतिहास को, अपनी कुर्बानियों को, अपने गौरव को याद करें और उनको याद करते हुए गौरवान्वित हों। प्रायः लोग कहते हैं कि ये तो देश जो है वो ऐसे ही है, अनपढ़ों का देश है, गंवारों का देश है, लेकिन वास्तव में दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो हमारे देश जैसा हो। दुनिया की बात कर रहा हूं। कोई बर्फ देखने के लिए फिनलैंड या कहीं किसी और लैंड में जाता है, हमारे यहाँ 6 ऋतुएं हैं, दुनिया के किसी भी देश में नहीं। 6 ऋतुएं हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, कितने शक्तिपीठ हैं। अभी गीता की ये शक्तिपीठ हमारी शक्ति के प्रतीक हैं और जो ज्योतिर्लिंग हैं हमारी आस्था की, हमारी शक्ति की, हमारी आत्मिक शक्ति की पराकाष्ठा है। आपको बर्फीली पहाड़ियां देखनी हो, आपको रेगिस्तान देखना हो, आपको नदी समुद्र या झरने देखने हो, आपको मैदान देखना हो, आपको भारत माता का धानी आंचल लहराते हुए देखना हो, सबका सब अपने देश में ही उपलब्ध है। कहीं दूसरे देश में जाने की जरूरत नहीं। और देश अपना स्वर्ग में रहने वाले, इसमें खेलन को लचाते, उस मातृभूमि पे हम पैदा हुए हैं, उस मिट्टी पे हम पले बढ़े हैं।